जनपद बुलंदशहर के सियाना रोड स्थित एक रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुलंदशहर के सियाना रोड स्थित एक रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में आसपास के मकानों में रह रहे लोगों को वहां से हटाया गया। आग को बुझाने में 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी। कई घंटों की मेहनत के बाद अग्निशमन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। देर पहले एक फैक्ट्री में आग लगी है, फिर क्या पूरा मामला है? फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत फायर स्टेशन बुलंदशहर से 2 मोटर फायर इंजन, फायर स्टेशन अनूपशहर से 1, डिबाई से 1, सिकंदराबाद से 1, खुर्जा से 1, जनपद के 5 फायर टेंडर तत्काल आग की सूचना पर प्रस्थान हुए। मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग प्रारंभ की गई। आग चूंकि बड़ी थी, सर बताया जा रहा है कुछ करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। नुकसान के संबंध में अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है, अभी हम अग्निशमन कार्य पे मेरा कंसंट्रेशन है। जनपद की 5 गाड़ियों के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ से सहायतार्थ हमें 4 यूनिट और प्राप्त हुई है। अभी हमारा अग्निशमन कार्य जारी है, लगभग 90% हमने कंट्रोल कर लिया है। आपको पूर्ण रूप से बुझाने के बाद फिर हम आपके कारण और क्षति के बारे में जांच उपरांत कोई कमेंट दे सकेंगे।